वो मुझे जानकारी नहीं है, पर शुक्र है कि मुख्यमंत्री का शपथ हो रहा है। बिहार में देखिए, एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं और 10 मिनट के बाद मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होता है। झारखंड में कुछ देरी हुई है, पर मैं समझता हूँ ऑपरेशन लोटस में कोई रुकावट नहीं आएगी। बीजेपी की ओर से खूब प्रयास किया जाएगा तोड़ फोड़, पर अच्छा है कि मुख्यमंत्री शपथ ले रहे हैं। मंत्रिमंडल भी होगा और अक्टूबर के महीने में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पर ये जो प्रतिशोध की राजनीति है, जो उत्पीड़न की राजनीति है, जो हमारे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री ने दिखाया है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसे कार्रवाई करना, मैं समझता हूं बिल्कुल लोकतंत्र को खत्म करने वाली बात है। ये लोकतंत्र की हत्या हुई है। सभी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़े जा रहे हैं। सर, आज आप लोगों को झारखंड में जाना है, जो आप लोग आज यात्रा, हम लोग जा रहे हैं अभी। आज बीरभूम से होकर हम जाएंगे, पाकुड़ जाएंगे और अगले 3-4 दिन झारखंड में ही रहेंगे। वहाँ के मुद्दे हैं, जल, जंगल, जमीन, आदिवासी कल्याण से संबंधित मुद्दे हैं। राहुल जी बार बार कहते हैं 5 न्याय के बारे में, न्यारी न्याय, युवा न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय और किसान न्याय, वो वही बात को दोहराएंगे। पर हम उम्मीद करते हैं कि अब एक स्थायी सरकार आई है झारखंड में, उसको कोई हिलाए। उसके बाद हम उड़ीसा में जाएंगे, पर उड़ीसा में तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री को तो नहीं वो हटवाएंगे, क्योंकि उड़ीसा के मुख्यमंत्री उनको पूरा समर्थन देते हैं दिल्ली में। पर उड़ीसा में बीजेपी और बीजेडी के बीच में मुकाबला होता है, पर दिल्ली में बीजेपी और बीजेडी एक ही सिक्के के दो चेहरे हैं। सर, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि वो चाहती हैं कि दिल्ली में सरकार बने, रीजनल पार्टी के सहयोग से सरकार बनाएंगे, लेकिन कांग्रेस उसके लिए एग्री नहीं है। कांग्रेस सीपीएम के साथ मिली हुई है और बीजेपी को ही नहीं, सपोर्ट कर रही है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, सीपीएम है, सीपीआई है, 27 पार्टियां हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दिल्ली में। हम समझते हैं कि ममता बनर्जी की प्राथमिकता पश्चिम बंगाल में, जो आज 18 सीटें हैं बीजेपी की, उसको घटाकर शून्य तक लाएं, वो ही मकसद हमारा भी है। लेकिन बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस और सीपीएम मिलकर बीजेपी को हेल्प कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम किसी को, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम तृणमूल के साथ लड़ना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन में तृणमूल शामिल है। हमारे ओर से बातचीत खत्म नहीं हुआ है, हमारे ओर से औपचारिक तौर से हम ये मानते हैं कि बातचीत के दरवाजे आज भी खुले हैं। एक मजबूत गठबंधन होना जरूरी है।